हाय फ्रेंड्स, बेस्ट बिजनेस एनबी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों कि आप अजोला बीच को पूरी तरह से प्लांट में कैसे तब्दील कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अजोला बीच को कैसे उगाया जाता है ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, ये मैंने अजोला का जो बीज है ये मैंने ऑनलाइन परचेस किया है। दोस्तों आप भी इसे परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए मैं आपको अभी अजोला कैसा होता है ये बता दूं, साथ ही इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी कि आप अजोला कौन से जानवर को दे सकते हो और साथ ही देने से क्या आपको बेनिफिट होने वाला है। ये शायद भी रास्ते में किसी ने ये पार्सल फोड़ा हुआ है, क्योंकि कंपनी का पैकिंग ऐसा नहीं आता। इसके पहले भी मैंने इसे बुलाया था, उसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताऊँगा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इसकी कंडीशन बहुत ख़राब आई है। ख़राब यानी बहुत ही काला काला। जो ग्रीन पौधा आता है दोस्तों, ग्रीन होता है, वो ग्रीन पौधा काला आया हुआ है। ऐसे ही दोस्तों, इसके पहले मैंने इसे परचेस किया था, लेकिन उस समय भी ऐसा काला आया था, लेकिन वो मेरे पास पहुंचने के बाद में 10 दिन मेरे पास वैसे ही पड़ा रहा। मुझे पता ही नहीं कि लाइव पौधा आया है करके। फिर भी मैंने दोस्तों उसको डाल दिया है, बट उसमें से अजोला निकलना शुरू हो चुका है, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। अभी फिलहाल आप देख सकते हो ये पार्सल मुझे आज ही डिलीवर्ड हुआ है दोस्तों। इसकी कंडीशन आप देखो, है दिख रहे हैं उसमें पौधे, बट काले कलर के हो चुके हैं, क्योंकि ये पूरा प्रेस होके आया है और पूरा सील पैक था। इसमें ऑक्सीजन जाने के लिए कोई जगह नहीं, और कोई भी वनस्पति ऑक्सीजन से बढ़ती है दोस्तों। तो चलो इसको डालने के लिए फिलहाल, ये मैंने 100 ही पीस मंगाए थे, तो मैं ये एक छोटा सा टप ले लेता हूँ दोस्तों। इसमें हम इसे डालेंगे, जैसे ये बड़ा हो जाएगा तो इसे बड़े साइज में तब्दील कर देंगे। तो इसमें डालने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको लगेगी काली मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी लगेगी दोस्तों, और साथ ही गोबर। गोबर आप कोई भी गाय का, भैंस का, कोई भी ले सकते हो। मैं इसमें उपजाऊ मिट्टी थोड़ी सी डाल देता हूँ दोस्तों। मैंने ये मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा बुलाई थी, बट मैं थोड़ी सी मिट्टी डाल देता हूँ। मिट्टी कम हो या ज़्यादा हो, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। साथ ही दोस्तों ये गोबर है, ये भी मैं डाल देता हूँ। मैं इसको गोबर को थोड़ा साइड में पहले भिगा लूँगा, इसमें भिगाने के पहले दोस्तों। तो ये देखिए हमने इतनी मिट्टी ली हुई है। ये देखिए दोस्तों, हम गोबर को पूरी तरह से भिगा देते हैं, पानी में तब्दील करना है गोबर को। ये देखिए पूरी तरह से पतला कर देना है। जी हाँ दोस्तों, और मुर्गी पालने वाले, दूध देने वाले, जानवर पालने वाले, ध्यान से वीडियो को देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद है दोस्तों। शायद बहुत लोगों को अजोला के बारे में पता नहीं, इसीलिए दोस्तों ये वीडियो स्पेशल बना रहा हूँ। मैं तो ज़्यादा अजोला का इस्तेमाल करता नहीं, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रहा है पोल्ट्री में, और दूध वाले जानवर मेरे पास कुछ है नहीं। बट फिर भी आप लोगों को जानकारी दे सकूँ, इसलिए दोस्तों ये प्लांट लगा रहा हूँ, और हो सकता है कि मैं भी अपने मुर्गियों को अजोला पूरी तरह से देना स्टार्ट कर दूंगा। क्योंकि हमारे एरिया में अभी तक अजोला जो है ही नहीं। मान के चलो हमारे एरिया में 200 किलोमीटर के व्यास में अभी तक अजोला किसी ने लगाया नहीं होगा, और होगा भी तो मेरी जानकारी में तो अभी तक है नहीं। करके मैंने दोस्तों ये ऑनलाइन बीज बुलाया है। आप अपने आजू बाजू में अगर अजोला का बीज मिलता है तो वहाँ से भी ले सकते हो। ये देखिए मैंने पूरे मिट्टी को भी, पहले ही वो छान के ली हुई मिट्टी थी, फिर भी मैंने दोस्तों उसे पानी में पूरी तरह से घोला है। थोड़े बहुत गड़े बचते ही दोस्तों, ये छोटे छोटे ढेकले बचना ही है, तो इससे हमको ये ज़्यादा फर्क नहीं करने वाला। अब हम इसको गोबर के साथ अच्छी तरह मिला लेते हैं। ये देखिए गोबर के साथ हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे दोस्तों। अजोला बीज को पूरी तरह से बढ़ने के लिए दोस्तों कम से कम 8 इंच पानी चाहिए, ठीक है। जब वो छोटा रहता है तब 4-5 इंच भी चल जाएगा, जैसे मैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा 4.5-5 इंच इसकी हाइट आएगी। तो छोटा रहते समय आप काय में भी उसे रख सकते हो, लेकिन जब आपको बड़ी तादाद में करना है और उससे ज़्यादा आपको अजोला लेना है, तो आपको 8 से 10 इंच पानी रखना चाहिए। अभी हमें कम से कम 1 घंटे के लिए इसे वैसे ही छोड़ देना पड़ेगा दोस्तों, और उसके बाद जो ऊपर जो गंदगी तैर रही है
इसे निकाल लेना है ताकि अजोला को पनपने में आसानी हो सके, किस तरह की कोई दिक्कत ना हो करके हमें ये गंदगी छाटना है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अब इस मिश्रण को बनाए हुए 1 घंटा बीत चुका है, तो अभी ये जो अजोला सीड्स है दोस्तों, जो हमें ऑनलाइन आई है, मैंने बोला आप अपने लोकल मार्केट से भी ले सकते हो, इसे आप हल्का हल्का सा निकाल लीजिए और इस पानी में छोड़ दीजिए दोस्तों। अगर आप लाइव बीज अगर डाल रहे हैं मुठी कैरी में, बड़ी वाली कैरी में, वो बड़ी वाली कैरी में कैसे लगाया जाता है ये भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आप ऐसे ऐसे छोटी छोटी मात्रा में पूरी तरफ फैला दीजिए, वैसे वो अपने आप भी फैलता है, बट आप इसे ऐसा भी डाल सकते हो। ये देखिए अभी ये छोटी छोटी मात्रा में तो नहीं आ रहा है, बट इसे मैं पानी में भिगो के डाल देता हूँ, क्योंकि ये पूरी तरह से पन्नी को प्रेस हुआ है दोस्तों। ये जो पॉलीथीन बैग है जो मुझे सेलर ने भेजी है, इसको पूरी तरह से अजोला के बीच चिपक चुके हैं करके मुझे इसके अंदर पानी डालना पड़ रहा है। ये देखिए दोस्तों, अब ये थोड़ा सा ऐसा हाथ घुमाने से ये टूट जाएगा और सब तरफ फैल जाएगा दोस्तों। बहुत लोग बोल सकते हैं कि ये काला काला बीज पनपेगा कि नहीं पनपेगा, तो मैंने बोला दोस्तों कि मैंने इसके पहले अजोला सीड्स ऑनलाइन ही मंगाया था, लेकिन वो काला निकला करके मुझे ही उस पर डाउट था कि ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा करके, मैंने वो डाल दिया है, बट उसका वीडियो नहीं बनाया आपके लिए, क्योंकि नितिन भाई फेक वीडियो बनाता नहीं है करके दोस्तों मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाया। लेकिन आज उसको 10 दिन हो चुकी है, वो छोटी छोटी साइज में निकल रहा है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन अगर दोस्तों आप अजोला अपने पशुओं को, जो दूध देने वाले पशु हैं उनको या मुर्गियों को देते हो, तो उनको दोस्तों बड़ी संख्या में प्रोटीन की मात्रा मिल जाती है। इसमें प्रोटीन दोस्तों इस तरह से आता है, 500 ग्राम अजोला में दोस्तों केरोटीन 4475 mcg आता है, विटामिन बी आता है दोस्तों 2 ग्राम के करीब, प्रोटीन की मात्रा 25 से 30% होती है, और बीटा कैरोटीन होता है दोस्तों 1380 mcg। साथ ही दोस्तों फास्फोरस 1 ग्राम के करीब, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे इसमें दोस्तों पोषक तत्व होते हैं जिसके कारण पशुओं को पूरी तरह से प्रोटीन मिलता है। अगर आप अजोला अपने बर्ड्स को यानी मुर्गियों को या पशुओं को देते हो, तो मुर्गियों में दोस्तों ब्रॉयलर में वेट तेजी से ग्रोथ होता है और फीट की बचत होती है। साथ ही देसी मुर्गियों को अगर दोगे तो देसी मुर्गियां जल्दी बढ़ेगी, आपका फीट का खर्चा कम आएगा और बीमारी से लड़ने की रोग प्रतिकार शक्ति उनके शरीर में बन जाएगी दोस्तों। और अगर आप दूध देने वाले पशुओं को यानी मवेशियों को अगर देते हो, तो सभी लोग बोलते हैं दोस्तों जो बहुत सालों से अजोला का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं तो शुरुआत किया हूँ, बट एक्सपीरियंस लोगों का कहना है कि 15% दूध की बढ़ोतरी आपकी हो जाएगी, भले आप पशुओं को पीर हरा चारा कोई दे या ना दे, दिन भर अगर आप उसे सूखा भी चारा देते हो और साथ ही अजोला देते हो, तो दोस्तों 15% से दूध बढ़ रहा है, यह एक्सपीरियंस होल्डर बोलते हैं। तो अब हम तो इसके ट्रायल लेने वाले हैं, आपको अगले वाले वीडियो में ये भी पता चलेगा कि ये कैसे बढ़ा, इसको बढ़ने में कितने दिन लगे, साथ ही इसको बड़े कैरी में कैसे फैलाया जाता है, मुर्गियों को देने के लिए क्या करना पड़ेगा, पशुओं को देने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सभी बातें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपको आने वाली हमारी वीडियो देखना है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिया हुआ बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपके पास पहुँच सके। साथ ही दोस्तों मुझे पता है कि 2-4 स्टेट में ही अजोला जो है वो आपको आसानी से मिल जाएगा, बाकी पूरे देश में अजोला नहीं मिल सकता, देश के बाहर भी अजोला की थोड़ी दिक्कत जाती है कि लाइव प्लांट हमें नहीं मिलता। तो आप इस तरह से ऑनलाइन बुला सकते हो, और ये आपके यहाँ पे पहुँचने तक अगर इसको 15-20 दिन भी लग जाते हैं, तो दोस्तों ये ख़राब नहीं होता, ये पनप जाता है, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। चलो मैं आपको वो भी बता दूँ कि उसमें मैंने आज बीज डाले, 10 दिन हो चुके हैं, और वो मेरे पास पार्सल आके 10 से 12 दिन मेरे पास भी शायद पड़ा होगा, उसके बाद मैंने उसे डाला है, फिर भी दोस्तों पनप चुका है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, फिलहाल बाहर रात का समय चल रहा है, मैं टॉर्च के उजाले में आपको बताऊंगा। दोस्तों इसको मैंने कम से कम 10 से 15 दिन पहले डाला था, उस समय तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बीज गया काम से, लेकिन आप देख सकते हो इसमें छोटी छोटी साइज में, ये देखिए दोस्तों आपको हरा हरा डॉट दिख रहा होगा, इसमें बहुत सारे अजोला पनप चुके हैं, आप देख सकते हो, ये देखिए।
मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था दोस्तों, लेकिन मैंने जब इसे कल से थोड़ा ध्यान से देखा तो इसमें हरे हरे अजोला निकल चुके, यानी बीज कितने भी दिन रह सकता है दोस्तों। तो आप भी ऑनलाइन बीज बुला के अजोला की खेती कर सकते हो। अजोला दो तीन चीज़ों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।